हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप ठीक होंगे। सो आज है जन्माष्टमी। जन्माष्टमी की आप सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और मेरी ओर से सबको जय श्री कृष्णा। सो आज हम करेंगे अपने घर में हमने जो लड्डू गोपाल रखे हुए हैं उनकी पूजा करेंगे। तो पूजा करेंगे, अभी हम सबने नहा लिया है, सभी तैयार हो चुके हैं। सो हमारे पूजा रूम में सिर्फ लड्डू गोपाल नहीं रखे हुए हैं, हमारा पूजा रूम थोड़ा सा बड़ा है, तो हमने उसमें सभी भगवानों की फोटो रखी हुई है और सभी हमारे घर में जितने भी मेंबर हैं सभी किसी अलग अलग भगवान को ही मानते हैं, कोई एक को नहीं प्रेफर करते, मतलब सभी की अपनी अपनी वो है, जो स्टार्टिंग से बचपन से जो जिसे मानता है वो उसी का उसी भगवान को आज भी मानते हैं। वो सभी भगवान की हमारे पूजा रूम में फ़ोटो लगी हुई है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं पहले हमारा पूजा रूम कैसा है, फिर हम आपको आज अपने लड्डू गोपाल को स्नान करवाएंगे और उनका भोग उनको भोग लगाएंगे, उनकी पूजा करेंगे। सो आज का वो पूरा दिन हम अपने लड्डू गोपाल के साथ ही बिताएंगे। तो चलिए, और एक बात हो आज आप सब बताना मुझे कमेंट करके कि किस किस ने अपने फास्ट रखा है और किस किस ने अपने घर में लड्डू गोपाल जी रखे हुए हैं और जो उनकी रोज़ पूजा करते हैं। तो हमारे घर में मैंने डैडी जी ने और इन्होंने फास्ट रखा है, हमारी मम्मी जी ने नहीं रखा है। सो आप भी बताना किस किस ने फास्ट रखा है। तो दूसरी बात और कि हम लड्डू गोपाल की रोज़ लड्डू गोपाल की पूजा नहीं करते, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो जब कोई ऐसा जैसे महीने में एक संक्रांत आती है तो उस दिन हम लड्डू गोपाल को स्नान करवा देते हैं। कभी अगर कोई दिन कोई त्यौहार आ जाए, फेस्टिवल आ जाए, तब हम लड्डू गोपाल को, लेकिन ऐसे रोज़ बोले तो हमारे घर में रोज़ लड्डू गोपाल की स्नान नहीं करवाते, लेकिन पूजा लड्डू गोपाल की जरूर होती है। सो चलिए अब हम आपको दिखाते हैं हमारे लड्डू गोपाल कैसे हैं और हम उनकी पूजा आप देख सकते हो कि मौसम कितना अच्छा है सुबह सुबह। ये रहा हमारा पूजा रूम। तो एक बार मैं आपको अपने पूरे पूजा रूम का दिखा देती हूँ, लुक कैसा है। तो ये हमने रखे हुए हैं लड्डू गोपाल जी, लड्डू गोपाल जी मुझे हमारे गणपति जी हैं। सो अब हम शुरू करेंगे। सो ये देखिए, ये पूजा रूम के ज्योति है, इसमें धूप लगाते हैं, ये मैं धो के लेके आ गई हूँ और मम्मी जी ने फूल और ये जल रखा है, इसमें तुलसी के पत्ते डाले हैं, इसको हम पंचमृत बनाएंगे।
टिक्के भी लाने ताई बना दे दे टिक्के टिक्के नहीं लगाए कर स्नान कराया है और इनकी भी पूजा की है। सो अभी की पूजा तो ख़त्म हो चुकी है, तो अभी शाम के टाइम हो आप कितने घने बादल हैं, काले काले, ऐसे लग रहा है जैसे अभी बारिश हो जाएगी, लेकिन बारिश का तो पता नहीं होएगी या नहीं। लेकिन मौसम आज काफ़ी अच्छा है, गर्मी बिल्कुल भी नहीं है। सो फ्रेंड अभी शाम का टाइम हो चुका है, तो अब शाम के टाइम हम लड्डू गोपाल जी को भोग लगाएंगे और खुद भी खाएंगे। सो लड्डू गोपाल को भोग लगाने के लिए हम मैंने ये देखिए कि आलू बनाए हैं विदाउट प्याज और लहसुन के, इसको टमाटर का तड़का लगाया है।
चलिए हम इसे रख देते हैं क्योंकि ये हमारे बनके रेडी हो गए हैं। तो अभी हम लड्डू गोपाल जी को किसी प्लेट में लगाते हैं जिसको उनको भोग लगाते हैं। तो फिर अपना फास्ट भी हम खोलते हैं। आज का मेरा ये वीडियो यही तक था। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो कल मिलेंगे आपको एक नए वीडियो के साथ, एक नए ब्लॉग के साथ। तो तब तक